अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टाइल विद कोनैन। और आज हम आए हैं शादी की शॉपिंग करने। जैसे कि आपको पता ही है कि देवर की शादी के जो है तैयारियां स्टार्ट हो चुकी थी, तो शॉपिंग का सिलसिला शुरू हो चुका था। और हमारा मेन जो रह गया था वो था जामा क्लाथ में आकर अपना ब्राइडल ड्रेस पहनाना। तो बारात और वलीमे के दो ये ड्रेसेस रह गए थे। तो आज जो है हम लोग आए हुए हैं जामा क्लाथ मार्केट। और जामा क्लाथ मार्केट में ये है अल्लाह वाला मार्केट। अल्लाह वाले मार्केट में जो है, यहाँ पर मैं इनके शॉप का एड्रेस भी सेंड करूँगी। इनके पास बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही औसम जो है वो शरारे और गरारे स्टाइल के जो है ब्राइडल ड्रेस थे। और ये जो दिखा रहे हैं ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था और ये मैंने जो है फ़ाइनल करा था। तो ये जो है मुझे बहुत ऑसम लग रहा था रेड पर, और उस पर बहुत ज़बरदस्त सा फर्शी शरारा था जिसको हम गरारा बनाएंगे, और वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये मैंने सेकंड देखा था, ये भी खूबसूरत था, लेकिन शर्ट ने जो है मुझे मज़ा नहीं दिया था। तो बस शर्ट वगैरह देख रहे थे और चेक कर रहे थे कि कैसे है कैसे नहीं है। आपको तो पता है शादी की चीज़ों में जब निकलो तो बहुत सारी जो है ऑप्शंस होने चाहिए। तो इस वाले शॉप का जो है मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, उस पर जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस सेंड कर दूंगी। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे शरारे हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस में है। तो आप लोग जो है जाकर यहाँ ज़रूर विज़िट करिएगा, और बहुत ही ज़बरदस्त जो है रिलीजमेंट के बाद। तो शादी के शरारों के बाद आती है ज्वेलरी की, और ज्वेलरी की चेकिंग कर रहे हैं। अगर बहुत अच्छा करना चाह रही हो तो फिर देखो ये जरदून के काम के अंदर। रिंग से बाजी इसके और पीस दिए 2021 की कैटलॉग से बना हुआ पीस है। ये झूमर आ गई छोटी बहन, ये झूमर आ गई। ये फाइनल लुक था और ये बहुत प्यारा लग रहा था। और उसके बाद बस जो है माइयों की भी काफ़ी सारी वैरायटीज आई हुई हैं। जामा क्लाथ जो है बहुत ज़बरदस्त है शादी की तैयारी के लिए, और जब आपके घर में कोई फंक्शन हो या शादी की शॉपिंग करनी हो तो आप लोग ज़रूर जामा क्लाथ से करिए। जामा क्लाथ बहुत रीज़नेबल है और बहुत अच्छे जो है वो प्राइजेस के साथ, यानी आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं। तो बस ये चीज़ें जो है हम लोग लोकेशन में थोड़ी सी आपको दिखाना चाह रही थी कि हम लोग इस तरफ खड़े हुए थे, अब जो है चूड़ियों के सेट बन रहे थे। तो चूड़ियों के सेट के लिए जो है बारात का अलग और वलीमे का अलग। मैंने वलीमे की मैक्सी ली थी, वो मैंने इसमें नहीं दिखाई है, और मैं आपको एंड में जो है सब चीज़ें दिखाऊंगी, ठीक है ना। ज्वेलरी, चूड़ियाँ और सब चीज़ें जो है मैं आपको एंड में दिखाती हूँ। तो ये जो है तो अब जो है ये कहते हैं मैं आपको एंड में जो है सब चीज़ें दिखा रही हूँ। ये मैंने ब्राइडल चूड़ियाँ दोनों हाथों के सेट बनवाए थे, क्योंकि ये अभी अनस्टिच है तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत था। इसकी ज्वेलरी जो है मैंने ये वाला सेट लिया था जो कि आपने ऑलरेडी शॉप पर देखा था। और ये है मैक्सी, मैक्सी का कलर जो है मैंने ग्रे और नेवी ब्लू लिया था। तो ये भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये देखें टेल जो है मैक्सी है, पीछे से जो है टेल है इसकी, और आगे से ये इस तरह से है, और इसका दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो नो डाउट जामा क्लाथ जो है शादी के शॉपिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छी वैरायटी बन जाती है। तो आगे ये देखें मुख्तलिफ काम हुआ हुआ है इस पर, सामने जो है बिल्कुल मोती और उसके बिल्कुल सीक्वेंस में काम हुआ हुआ है। इसके अलावा ये इसके दोनों सेट हैं, और ये जो है चूड़ियों के सेट थे, और ये जो है हमारा इसका ज्वेलरी सेट है। और ये रिंग मैंने अलग से ली थी, इसके साथ इस सेट के साथ रिंग नहीं थी। तो जो ब्राइडल सेट है वो जो है जरकून में बना हुआ है, और ये जो है इसको भी उन्होंने कुछ बताया था कि किस चीज़ का सेट कहलाता है। तो ये काम जो है काला नहीं पड़ेगा और बहुत खूबसूरत ये वाइट
था, तो इसमें मैंने ब्लू मोती जो है नीचे पर्ल में करवाए थे। तो आई थिंक के शादी के दोनों काम यानी ब्राइडल वाला और वलीमे का, दोनों का बारात वलीमे के ड्रेसेस आ चुके हैं। अब स्टिच करके फिर इनको फाइनल लुक दिखाऊंगी आपको। तो कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगी मेरी शॉपिंग। और आखिरी शॉपिंग जो रह गई थी वो बन रहा था ब्राइडल किट। तो आई थिंक कि आप लोगों को सबको पसंद आई होगी, मैं एंड में ये भी शेयर करूंगी, तो पार्ट टू ज़रूर देखिएगा।